Come, Rubel. Accept your responsibility. Mr. Kumar, could you do the honors, please? Thank you. Congratulations, Rubel. बधाई हो रूबल, अब फटाफट चल के अपने दादाजी की कुर्सी भी संभाल लो, चलो। आप सब ने डिसाइड किया कि आदि की जगह मैं अपने दादाजी की इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनूं। और मैंने भी किसी से बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे आप सबकी विश एक्सेप्ट की। बट मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। मैं आदि की इस कुर्सी पर नहीं बैठूं। प्लीज कोई भी मुझे किसी भी वे में फोर्स नहीं करेगा। लेकिन रूबल तुम्हें यह कुर्सी इसलिए मिली है क्योंकि तुम इसके हकदार हो। यह आपको लगता है मामा जी, अकॉर्डिंग टू मी इस कुर्सी का हकदार आदि है और हमेशा रहेगा। कैबिन के नेम प्लेट पर भले से मेरा नाम लिखा लेकिन इस कुर्सी पर सिर्फ मेरे भाई का नाम लिखा है। जिस दिन चाहे वापस आकर सब कुछ संभाल सकता है और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। लेकिन रूबल, ये अब जब तुम सारा कामकाज संभाल ही रहे हो तो फिर कुर्सी पर बैठने से क्या इतराज है तुम्हें? मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। I'm fine. कैसे हुआ ये सब? ये तो होना ही था। पेशेंट्स के रिलेटिव्स और उनकी फैमिली मेंबर्स अगर उनके लिए कंसर्न होंगे तो ये सब चीजें तो होंगी। तुम प्लीज उन्हें ब्लेम मत करना क्योंकि अपनों के लिए सभी कंसर्न होते हैं जैसे इस वक्त तुम। अच्छा ये सब छोड़ो, छोटी सी इंजरी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल में क्या हुआ, तुमने कुछ सोचा? मैं उन डॉक्टर्स को वापस बुला लूंगी। गुड, हम एक काम करते हैं, हम एक कमेटी फॉर्म करते हैं और वही कमेटी इस केस पर डिसीजन लेगी, ठीक है?
छोटा भाई हूं तेरा, और तेरी ही तरह जिद्दी भी। एक फैसला तूने लिया था, अब ये मेरा फैसला है। Hey, Ruben. I'm really proud of you. Really, very, very proud of you. मामा, मैं साइकिल ले निकलता हूं। आदि, यहां तुमसे सब इतना प्यार करते हैं। आई विश तुम इस प्यार की रिस्पेक्ट कर पाते। अरे बहना, अरे भाई साहब आइए, खुशखबरी है। अरे क्या हो गया भाई साहब? ये मिठाई ले। बाबू जी, क्या है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। जिस पार्टी का मैं सदस्य हूँ, उन्हीं लोगों ने मुझे पार्टी से टिकट देने का वादा कर लिया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाबू जी, आदि बाबू के MD बनने से मुझे बहुत फायदा हो गया। मैंने पार्टी से वादा किया है और मैं अब आदि बाबू को मनाऊंगा कि यहाँ कुल्लू में एक बड़ी सी फैक्ट्री डाले। उससे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और उसके साथ साथ दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी फायदा होगा। बाबू जी, बस मुझे अब आपका साथ चाहिए। क्या है कि पूरा कुल्लू जो है आपकी अच्छाई और सच्चाई की मिसाल देता है। अगर आपका हाथ मेरे सर पर आ जाए तो फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। जरूर गोवर्धन बाबू, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना पड़ेगा। जी बोलिए। कि आप पूरी ईमानदारी से कुल्लू वालों की सेवा करेंगे। बिल्कुल बाबू जी, आज क्या है, मैंने पार्टी के कुछ सदस्य और DM साहब को घर पे खाने पे बुलाया है। मैं चाहता तो अपने घर पे बुला सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के उनको यहाँ पे बुलाया है ताकि आप लोगों का भी साथ रहे। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपका घर है गोवर्धन बाबू, जरूर बुलाइए। इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी, और मैं ऑफिस में नहीं हूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की खबर नहीं मिलेगी मुझे। Come on, come on, cheer up, everyone. You Ankita, घर जल्दी जाया करो, काम इंपॉर्टेंट है लेकिन घर से ज्यादा नहीं। मिस्टर शर्मा, थैंक यू सो वेरी मच, मेरी हर छोटी बड़ी सारे अकाउंटिंग एरर्स को संभालने के लिए। सर प्लीज आप मत जाइए, कंपनी छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, और फिर किसी को तो साइट पर जाकर सुपरवाइज करना होगा ना। जी सर, ख्याल रखिएगा। मिसेस डिसूजा, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, हमेशा से स्माइल करते रहिएगा। आपकी हाथ की चाय बहुत मिस करूंगा।
मैं बहुत खुश हूँ। देखना गोवर्धन बाबू इस बार चुनाव में जरूर जीत जाएंगे। और ये खुशखबरी मैं पंखुड़ी को देता हूँ, क्योंकि जब से वो एमडी बना है ना, पूरी तरह बात ही नहीं हो पाई। दादाजी का फोन। हेलो दादाजी। कैसी है मेरी बच्ची? दादाजी। क्या हुआ बेटा, क्या बात है, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। बस बेटा संभालो अपने आप को, बताओ क्या हुआ। क्या हुआ बाबूजी, अचानक बाहर क्यों चले गए? अंबिका, बाबूजी अभी पंखुड़ी से बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में कुछ बात हो गई है। आप जाकर बाबूजी से पूछिए ना। बाबूजी क्या हुआ, पंखुड़ी ठीक है ना? बताइए क्या हुआ। आदित्य को एमडी की कुर्सी से हटाकर रूबल को एमडी बना दिया गया। ये बाबूजी सब कब हुआ? अखबारों में तो आदित्य बाबू की चर्चा हो रही है। आज रूबल सारे कागजात पर दस्तखत करने के बाद ये बात प्रेस में फैला दी जाएगी। लेकिन यूं अचानक? पंखुड़ी ने बताया कि ये अनुज और अवंतिका का फैसला है। पूरी बात तो वो बता नहीं पाई और ना ही मैंने दबाव डाला। लेकिन ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है? अवंतिका जी अपना फैसला कैसे बदल सकती है? हम सब जानते हैं कि आदित्य बाबू को रूबल से कहीं ज्यादा तजुर्बा है बिजनेस का। बेटा इसी बात की तो मुझे भी हैरानगी हो रही है। कोई भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता जब तक उसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात ना हो। वो ये ड्राइवर कहाँ रह गया? आनंद, आनंद, मामी, मामी, मैं जानता हूं आप रूबल की बात से बहुत अपसेट है, लेकिन आप तो जानती हैं ना, धीरे धीरे वो आपकी सारी बातें मान जाएगा। बड़ा जिद्दी अपने बड़े भाई की तरह। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, जो कुछ भी रूबल का है ना, उस पर मैं अपना हक जताने के कभी सोच भी नहीं सकता। सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मैं जानता हूं कि पायल ने जो कुछ भी अपने पास्ट में किया है वो सारी गलतियां ना, उसकी वजह से आपका अपसेट रहना जस्टिफाइड है, लेकिन अब वो अपनी गलतियां सुधार चुकी है। प्लीज उसकी वजह से ना आप रूबल के फ्यूचर को अफेक्ट मत होने दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मामी, रूबल ने कभी इसके पहले ऐसे किसी से प्यार नहीं किया। आप उसका दिल मत तोड़िएगा। चलिए मैम। मामी एक बात और, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ ना, उसकी वजह से हमारा रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। कि आप तो मेरी मामी हैं, जो हमेशा मुझसे कहती थी कि आधी धूप में मत जाओ, सांवले हो जाओगे। इतना ख्याल रखती थी। मैं आपसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूं, और आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। जो आपने किया ना वो गलत हो ही नहीं सकता, कि आप तो मामी है ना, और मामी में भी एक माँ होती है। You can't be wrong.
ख्याल रखेगा। समीर बेटा, तुम्हें इस तरह से अकेले उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए था। अगर बात बढ़ जाती और तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते बेटा? माँ प्लीज, अब आप भी प्रीति की तरह शुरू मत हो जाइए। मुझे तो तुम चुप ही करवा दोगे, लेकिन इस तरह बार बार किसी और की वजह से मैं अपने बेटे को परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। माँ प्लीज, अब प्रीति को ब्लेम मत कीजिए। आई अग्री कि प्रीति ने उन डॉक्टर्स को निकाल के ठीक नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है। समीर प्लीज, प्रीति की साइड लेना बंद करो। अगर प्रीति इस तरह से जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेती ना, ये जो कुछ भी हुआ वो नहीं होता और बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। निर्मला, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, बार बार तुम किसी ना किसी बात पर प्रीति पर इल्जाम लगाने लग जाती हो। मुझे सबके सामने ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, मगर enough is enough। तुम प्रीति के साथ बैठकर बात क्यों नहीं कर लेती? जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है उसे बैठकर सॉल्व कर लो। कम से कम इससे तुम दोनों की और समीर की लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। हाँ समीर बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दी है ना, तो चलो बेटा घर चलते हैं। माँ, अभी हम घर नहीं आ सकते। क्यों? मुझे और प्रीति को हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग है, हमें जल्द से जल्द स्ट्राइक खत्म करवानी है। इतने सारे पेशेंट्स हैं जिन्हें ट्रीटमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। हाय सर, तो रूबल सर की जगह यहाँ का काम आप मैनेज करेंगे? जी हाँ, जब तक मेरे नानू के माइनिंग प्रोजेक्ट का ड्रीम रियलिटी में ना बदल जाए ना, मैं यही रहूँगा। लेकिन सर यहाँ पे तो बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही खाने का ऑप्शन। दिन के समय तो वर्कर आ भी जाते हैं, बट रात को तो वो भी नहीं आ पाते सर। शेर तो नहीं आता ना यहाँ पर? अरे सर फिर चल जाएगा। अच्छा मैं एक फ़ोन कर लेता हूँ, मुझे पंखुड़ी को इन्फॉर्म करना है। सर नेटवर्क को भी एरिया में आना पसंद नहीं है सर। हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक पीसीओ है, लेकिन सर वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती सर। यू नो व्हाट, शेर आता ना तो भी जलता, लेकिन फोन नहीं करूँगा ना उसके बाद जो बीवी शेरनी बन जाएगी ना उसका क्या करूँगा। चलो देखते हैं। अरे बाबूजी, लेकिन ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि आदि बाबू से कोई गलती हो गई, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा? मेरा तो यकीन मानिए बाबूजी कि ये सारा का सारा किया कराया शीला जी का ही है। जाने दीजिए गोवर्धन बाबू, अब अवंतिका और अनुज ने जो फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। अरे बाबूजी ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो कहता हूँ कि आदि बाबू को लड़ना चाहिए, हो सके तो कोर्ट कचहरी जाना चाहिए। मैं भी DM साहब से बात करता हूँ, उनकी मदद लेते हैं। अरे नहीं नहीं गोवर्धन बाबू, क्या बात कर रहे हैं, अरे घर की बात दुनिया में ले जाने का क्या मतलब? बाबूजी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आज के जमाने में अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। हाँ मुझे अफसोस जरूर रहेगा इस बात का कि चुनाव में अब आदि बाबू की मदद नहीं मिल पाएगी। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्होंने इसी शर्त पर मुझे टिकट देने का वादा किया था कि आदि बाबू अपना धंधा कुल्लू में चालू करेंगे। खैर छोड़िए, बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।